नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश कैबिनेट के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए खनिज की नई नीति लागू करने की बात कही। सीधी और सिंगरौली जिलों के प्रभारी और मध्य प्रदेश कैबिनेट के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल अपने सीधी प्रवास के दौरान अल्पकाल के लिए रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजनिवास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन किया, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधी के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खनिज मंत्री ने खनिज को लेकर नई नीति लागू करने की बात कही। वहीं उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उथल पुथल को लेकर कहा कि सरकार के कुछ विधायक और मंत्री अनुभव की कमी के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में आर्थिक मंदी से उबरने के सवाल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में चलने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से सफल और सक्षम है, हम हर समस्या से गुजरने के लिए तैयार हैं। देश में इसमें मंदी का दौर चल रहा है, तो प्रदेश की सरकार उस मंदी से निकलने की क्या योजना बना रही है? ये तो अभी आपने देखा कि मंदी के दौर से लगातार रोजगार बढ़ाने की बात करते थे, रोजगार खत्म हो रहा है, फैक्ट्रियां कारखाने सब बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है। ये केंद्र सरकार की जो गलत नीति थी, नोटबंदी, GST जिस हड़बड़ी में लागू किया गया, उसका वर्तमान विज्ञापन से ये सब नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोनों लोगों का ध्यान बांटकर जो सस्ते लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया, उसका दुष्परिणाम है कि आज देश जो है सबसे इतिहास के सबसे अधिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी जैसे वाणिज्य को समझने वाले और फाइनेंशियल व्यवस्था जो होती है उसको समझने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मंदी के दौर से वो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं से निकाल कर। पहले भाजपा के नेता कहते थे कि कांग्रेस को सरकार में ठीक नहीं चल रहा, अब कांग्रेस के विधायक और मंत्री कहते हैं कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये थोड़ा सा मेरा मानना है कुछ जैसा मैंने कहा कि अति महत्वाकांक्षा या कुछ अनुभव की कमी, मेरे कुछ दिनों की बात है। क्या लगता है कि आपके शासन के जो मंत्री हैं वो उनको अनुभव की मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको दो दो बार के मंत्री हैं, साल पूरा अनुभव कर मुझे कुछ अति महत्वाकांक्षा हमारे कुछ नेताओं की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, खास खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ।